ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को शिकायती ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने ठेले वालों पर नगर निगम अधिकारियों के अत्याचार का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी ठेले वालों से अवैध वसूली कर रहे हैं और रुपए नहीं देने पर मारपीट करते और ठेला पलट देते हैं या उठाकर ले जाते हैं, जिस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं गुना के एक निजी स्कूल के संचालक पर अभिभावकों से गलत व्यवहार का आरोप लगा है। अभिभावकों के मुताबिक स्कूल के टीचर और संचालक मनमानी करते हैं और फीस देने के बाद भी दोबारा फीस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि यदि वो फीस नहीं देंगे तो उनके बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद SDM संदीप श्रीवास्तव ने अभिभावकों से मुलाकात की। SDM ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकता है। SDM साहब के समक्ष प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो प्रिंसिपल साहब फीस में कोई भी रियायत देने के लिए पेरेंट्स को तैयार नहीं और ट्यूशन फीस के नाम पे वो सभी फीस वसूल कर रहे हैं जो वसूल करके आए हैं, तो इसमें कोई सुनने तैयार नहीं है। और SDM साहब भी ऐसा कोई हमें आश्वासन देकर नहीं गए कि कोई कार्रवाई इस संबंध में हो। उन्होंने हमें शेड्यूल दे दिया है कि शेड्यूल के अनुसार सभी को फीस जमा करना है। नहीं, कोई राहत नहीं दी गई है फीस में। जो फीस उनका शेड्यूल है उसी अनुसार जो प्रबंधन चाहता है, जो प्रबंधन चाहता है, प्रबंधन की मनमानी है और वही प्रशासन चाहता है। प्रिंसिपल साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और पेरेंट्स अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने को भेजे हैं, वो दो तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, तो वो इंग्लिश में ही कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। दूसरा बड़ा इशू था फीस को लेकर, उन्होंने जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो फीस का स्ट्रक्चर बनाया है वो उन्होंने पब्लिकली किया है, तो वो मैंने आप लोगों के बीच में डाला है, मैंने उसका फोटो भी लिया है। जो अभी जो पब्लिकली उन्होंने किया स्ट्रक्चर वो फाइनल स्ट्रक्चर। नसरुल्लागंज से सीहोर का मुख्य मार्ग खस्ता